हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए डार्सी का नियम, डार्सी लो को ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। बहुत ही आसान सी सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से आप सुनिएगा। एक्चुअली जब भी हम कोई नियम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, इस साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया कि हमें ये नियम याद करना पड़ रहा है। तो वही सिर्फ हमारी ट्रिक बनेगी यहाँ पर, क्या कि डार्सी ने ऐसा क्यों किया, डार्सी ने ऐसा क्या बेटा, डार्सी ने ऐसा क्यों किया, डार्सी ने ऐसा क्यों किया। यही क्या है बच्चे, डार्सी का नियम, डार्सी ने ऐसा क्यों किया। इसमें आपको जो क्यों किया लिखा दिखाई दे रहा, क्यों और किया, के आई ए किया, यही बच्चे डार्सी का नियम होता है। क्यू फॉर हो गया डिस्चार्ज, के यहाँ पर परमेबिलिटी कोफिशियंट होता है, आई यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर इस नियम के प्रूविंग की बात करें, हालांकि पूरी डिटेल में अपर कोर्स चल रहा है, फिर भी इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो डार्सी ने बेसिकली बताया क्या था कि अगर किसी भी सैचुरेटेड सॉइल सैंपल से लेमिनार फ्लो हो रहा है तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, पानी होता है, उस पानी का जो वेग होता है, वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको इक्वल करते हैं तो परमेबिलिटी कोफिशियंट आता है के इंटू आई हो गया। हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड। ए यहाँ पर एरिया होता है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी हो गया बराबर के इंटू आई इंटू ए, ये हो गया, ठीक है। ए इंटू बी हमने पढ़ा है डिस्चार्ज, किसी भी फ्लूड का जो डिस्चार्ज होता है, जो जिसे हम हिंदी में निस्सरण कहते हैं या विसर्जन कहते हैं, फ्लूड मैकेनिक्स में डिस्चार्ज क्यू बराबर ए इंटू बी हमने पढ़ा है। तो इस ए इंटू बी के प्लेस पे हम क्यू लिख देते हैं, क्यू बराबर के आई ए, इस तरह से आ जाता है, डार्सी ने ऐसा क्यों किया। ये हो गया बेटा डार्सी का नियम, जिसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, डार्सी ने ऐसा क्यों किया। आई होप सो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सबको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिनको अभी तक नहीं पता है कि हमारे ऐप पर इस सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पेड कोर्स चल रहा है, जिसमें ये सभी नियम बहुत अच्छी वे में, काफी डिटेल में समझाए जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डार्सी के नियम को भी हमने पूरे डिटेल में समझा, थ्योरी लिख करके भी, फॉर्मूले से, डेरिवेशन करके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, काफी डिटेल में इसको अच्छे से कवर कर लिया, जो कि पॉलिटेक्निक एज वेल एज एसएससी जेई के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमारा एसएमएफई का पेड कोर्स मात्र 300 रुपए में है, जो ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर बच्चे आप इसका कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं, कॉम्बो कोर्स, तो हम कॉम्बो कोर्स में 3 कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, 3 सब्जेक्ट के कोर्सेस, कौन कौन से, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है, जिसमें सर्वेइंग सेकंड भी है, जिसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी है। ये 3 सब्जेक्ट्स मात्र 450 रुपए में, मात्र 450 रुपए में ये 3 सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक 5वें सेमेस्टर के हैं, जिसमें से सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सर्वे सेकंड जेई के पर्पज से भी हम तैयार करते चल रहे हैं साथ साथ। आई होप सो जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, एक बार आप सब बच्चे सभी के पास शेयर कर देंगे कि अब जीटेक पॉली के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर 3 सब्जेक्ट को मात्र 450 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। इनमें से तीनों में से अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट परचेज करना है, लाइक डेट सॉइल मैकेनिक्स परचेज करना है तो 300 रुपए में, इसके साथ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आपको फ्री मिलेगा। ऐसे अगर आपको सर्वेइंग परचेज करना है तो 200 रुपए में है, इसके साथ भी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग फ्री मिलेगा। और अगर आपको कॉम्बो खरीदना है तो इसमें तीनों मिल जाएंगे, सॉइल, सर्वे, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, मात्र 450 रुपए में। आई होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट हो पाई होगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।